तो फाइनली दोस्तों इंडियन सिनेमा की मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर का एक नया पोस्टर रिलीज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर का रिव्यू करने से पहले आज है जूनियर एनटीआर का जन्मदिन, तो जूनियर एनटीआर सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जूनियर एनटीआर सर हमेशा खुश रहे और उनके आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो। तो दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ पे जूनियर एनटीआर के नए पोस्टर के बारे में, तो ट्रिपल आर फिल्म के मेकर्स ने यहाँ पे एक धमाकेदार पोस्टर रिलीज किया है, जिस पोस्टर में जूनियर एनटीआर का जो लुक है पूरी तरह से कमाल का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जूनियर एनटीआर ने व्हाइट कलर की धोती पहन रखी है, वही ब्लैक कलर का कुर्ता है, साथ ही साथ दोस्तों उनके हाथ में एक भाला दे रखा है और उन्होंने सर पे टीका लगा रखा है। दोस्तों इस लुक में जो जूनियर एनटीआर की आंखों में इंटेंसिटी है काफी कमाल की लग रही है और जूनियर एनटीआर पूरी तरह से यहाँ पे एक्शन और मास के बाप लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल आर वालों ने जो नया पोस्टर रिलीज किया है जूनियर एनटीआर का, पूरी तरह से धमाकेदार है और अभी तक जितने भी जूनियर एनटीआर के पोस्टर आए हैं वो पहले पोस्टरों से ये वाला पोस्टर मुझे अब तक का बेस्ट लगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जूनियर एनटीआर शायद किसी नदी या समुद्र में से उछल कर किसी के ऊपर भाला मार रहे हैं। हो सकता है दोस्तों जिस सीन का ये पोस्टर है उस सीन में कोई हाई ऑक्टेन एक्शन सीन होने वाला होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ट्रिपल आर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टर पे मेंशन की है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रूमर्स आ रहे थे कि ट्रिपल आर फिल्म शायद इस साल नहीं रिलीज होगी और फिल्म को अगले साल यानी कि 2022 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोस्तों फाइनली नए पोस्टर के साथ में फिल्म की जो रिलीज डेट है वो मेंशन की और यहाँ पे मेकर्स ने खुला लिखा है कि ट्रिपल आर फिल्म को रिलीज किया जाएगा 13 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जिस डेट पर अनाउंस हुई थी उसी डेट पर रिलीज होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द इंडिया के हालात सुधर जाए और ट्रिपल आर फिल्म हमें सिर्फ और सिर्फ थिएटर में देखने को मिले। बाकी दोस्तों ट्रिपल आर फिल्म का यह नया पोस्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।